Hello everyone, in this video we will learn about how to calculate total execution time of a PHP script. So without wasting the time, let's start. तो सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो टाइम फंक्शन की. तो जो माइक्रो टाइम फंक्शन होता है वो जो करंट क्लॉक टाइमिंग होती है वो हमें प्रोवाइड करवाता है. तो इसके आर्गुमेंट में हम दो वैल्यू पास कर सकते हैं, ट्रू और फॉल्स. तो जब हम आर्गुमेंट के अंदर ट्रू पास करते हैं तो वो इंडिकेट करता है फ्लोटिंग वैल्यू को, मतलब जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो पॉइंट पॉइंट के अंदर देगा हमें वैल्यू. और दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है हमारे पास फॉल्स. तो जब हम फॉल्स जो कि बाय डिफॉल्ट होता है उसको यूज करेंगे तो ये वैल्यू हमें रिटर्न करके देगा टाइम स्टैम्प के अंदर. तो टाइम स्टैम्प के अंदर जो कि एक स्ट्रिंग टाइप में वैल्यू देगा हमें, तो हम यूज करेंगे ट्रू आर्ग्यूमेंट को, क्योंकि हमें सिंपली जो एग्जीक्यूशन टाइम और जो एंडिंग टाइम था उसका डिफरेंस कैलकुलेट करना है. तो इसे कमेंट मारते हैं और इसे डाल देते हैं एक पीएचपी स्क्रिप्ट के अंदर. फाइल को सेव करते हैं stdocs फोल्डर के अंदर टाइम डॉट पीएचपी नाम से. तो अब सिंपली एक स्क्रिप्ट के अंदर मैं कोड कर रहा हूँ. मैंने एक वेरिएबल बनाया डॉलर आई और उसको इनिशियलाइज कर दिया जीरो से. एक नया वेरिएबल बनाया डॉलर ए, उसको इनिशियलाइज कर दिया 100 से. अब मैं फॉर लूप स्टार्ट करता हूँ और डॉलर आई को स्टार्ट करता हूँ मैं 1 से. डॉलर आई लेस देन इक्वल्स टू 10,000 और डॉलर आई प्लस प्लस. तो ये इंक्रीमेंट है फॉर लूप का. अब फॉर लूप की बॉडी के अंदर मैं चाहता हूँ ए को इंक्रीमेंट करूँ. तो जितनी बार टोटल लूप चलेगा उतनी बार ए की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होती जाएगी. तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, हमने पिछले वीडियो में देखा था. अब सिंपली मैं काम करता हूँ, जब मेरा फॉर लूप स्टार्ट हो रहा है उससे पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ डॉलर स्टार्ट नाम से, और उसमें जो स्टार्टिंग जो टाइम था वो उसकी वैल्यू रिटर्न करके स्टोर करा लेता हूँ. तो इसके अंदर मैंने आर्ग्यूमेंट दिया ट्रू, और जैसे ही मेरा लूप एंड हो रहा है तो मैं एक नया वेरिएबल बना रहा हूँ डॉलर एंड इज इक्वल्स टू माइक्रो टाइम, और आर्ग्यूमेंट में दिया मैंने ट्रू. सिंपली मुझे दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करना है. तो डॉलर वेरिएबल बनाया मैंने डॉलर डिप इज इक्वल्स टू डॉलर एंड माइनस डॉलर स्टार्ट. अभी इसे मैं इको कराता हूँ. पीएचपी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटेड. कॉन्केटिनेट किया मैंने डॉलर डिप सेकंड्स. तो ये मैसेज प्रिंट करेगा जब डॉलर डिप की वैल्यू रिट्रीव होगी, तो ये टोटल शो कर देगा पीएचपी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटेड समथिंग सेकंड्स. तो सेव करते हैं सबसे पहले इसे और ब्राउजर के ऊपर चेक करते हैं. तो जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट कराया तो ये शो कर रहा है पीएचपी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटेड 0 point something seconds. तो जो हमारा टोटल कोड था वो 0 point something second एग्जीक्यूट हुआ. तो सपोज मैं जो टोटल रन टाइम है 4 का वो बढ़ाता हूँ, तो मैंने इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट की फिर इसे रिफ्रेश किया. तो अब थोड़ी सी वैल्यू इसकी बढ़ गई है और ये शो कर रहा है 0.19 something seconds. नाउ सपोज कुछ वैल्यू और इंक्रीज करता हूँ मैं इसकी और फिर रिप्लेस करता हूँ इसे. तो अब एग्जीक्यूटिंग में ये थोड़ा टाइम ले रहा है, तो ये हम देख रहे हैं लोडिंग में भी टाइम लेगा थोड़ा सा. तो वेट करते हैं.
ये सब डिपेंड करता है हमारे प्रोसेसर के ऊपर जो एग्जीक्यूशन स्पीड है पीएचपी स्क्रिप्ट की। तो अभी जो फोर लूप था उसको मैंने काफ़ी वैल्यू से इंक्रीज कर दिया था, तो डायरेक्ट ही इतना टाइम ले रहा है। अब ये शो कर रहा है कि मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ 30 सेकेंड्स एक्सीडेड, तो हमने वैल्यू को ज़्यादा इंक्रीज कर दी है इसकी, तो ये 30 सेकेंड से ज़्यादा टाइम ले रहा था इसलिए पटेल एरर शो कर रहा है। वैल्यू वापस हम थोड़ी कम करते हैं इसकी। अब रिफ्रेश किया तो ये और टाइमिंग शो कर रहा है 0 पॉइंट समथिंग दिस सेकेंड। तो ये टोटल एग्जीक्यूशन टाइम था, किस तरह से कैलकुलेट करना है पीएचपी स्क्रिप्ट का। अब सपोज स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम में प्रिंट करा के देखता हूँ वो क्या वैल्यू शो कर रहा है। तो स्टार्ट के अंदर मैंने कॉन्क्रीट कराया डॉलर स्टार्ट को और लाइन चेंज कर दी, ताकि जब मैं एंड को प्रिंट कराऊं तब वो नई लाइन में प्रिंट हो। और अब जैसे मुझे एंड को प्रिंट कराना है तो मैं यहाँ मैसेज दे देता हूँ सिंपली, एंड इज इक्वल्स टू एंड। तो अब रिफ्रेश करते हैं वेब पेज को, तो जो स्टार्टिंग टाइम था ये समथिंग दिस दे रहा है एंड एंड टाइम है जो ये दे रहा है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें 0.01 समथिंग सेकेंड ये कैलकुलेट करके दे रहा है। तो ये था पीएचपी के स्क्रिप्ट के अंदर किस तरह से एग्जीक्यूशन टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो अब एक क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि जब एंड वेरिएबल मैंने कैलकुलेट किया है उसके बाद भी तो मैं मैसेज प्रिंट करा रहा हूँ, तो क्या उस मैसेज को प्रिंट करने के लिए कुछ टाइम और नहीं लेगा ये? तो हाँ बिल्कुल, कुछ मिलीसेकंड अप्रोक्सीमेट ही और लेगा। तो जो स्टैंडर्ड टाइम है वो तो हम कैलकुलेट इस तरह से कर सकते हैं कि हम सिंपली जो लास्ट मैसेज है वो प्रिंट नहीं कराएं, और जो डॉलर डिप है वहां तक का जो कोड है ये स्टैंडर्ड टाइम उसके अंदर स्टोर कर लेगा। तो अब हम कुछ मैसेज और दे रहे हैं यहाँ पर, तो वो कुछ मिलीसेकंड और लेगा, तो जो स्टैंडर्ड टाइम है उसमें से कुछ और मिलीसेकंड वो ऐड कर देगा। तो ये जो हमने टाइमिंग कैलकुलेट की है ये अप्रोक्सीमेट टाइम है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक द वीडियो। सो जस्ट बी विथ मी इफ यू वॉन्ट समथिंग मोर लाइक दिस। सो थैंक यू फॉर नाउ।